ये है अल्फियाज एंड ब्रदर्स रे इंडस्ट्री की जानब से तैयार की गई न्यू 2022 मॉडल थ्रेशर मशीन। इसका आज मैं आपको मुकम्मल रिव्यू करवाऊंगा और तफसील के साथ इसके बारे में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर न्यू पीके में खुशामदीद। प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे भाइयों, आज मैं मौजूद हूँ अल्फियाज एंड ब्रदर्स रे इंडस्ट्री में, जो बूरा रोड बिल मुकाबल अड्डा 95 जंडियाली बंगले के करीब है। तो इनकी जानब से जो 2022 मॉडल वेट थ्रेशर मशीन तैयार की गई है, जिसको पखर मॉडल भी कहते हैं, और ये फतेहपुर में भी ज़्यादा थ्रेशर मशीन तैयार की गई है। तो इनकी जानब से जो तैयार की गई है वो बहुत ही पायेदार और मज़बूत वेट थ्रेशर मशीन है, जिसमें गंदम, चने, सरसों और बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो इस थ्रेशर मशीन में निकाली जा सकती हैं। तो प्यारे भाइयों, आइए मेरे साथ इसका मुकम्मल आपको रिव्यू करवाता हूं और तफसील के साथ इसकी जो डिटेल मैं आपको बताता हूं। जी प्यारे भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मज़ीद इस तरह की मैं वीडियो लेकर आऊं तो मेरे प्यारे भाई आसानी से देख सकें। तो प्यारे भाइयों, ये है अल्फियाज एंड ब्रदर्स रे इंडस्ट्री, जो मियाँ चन्नू बुरे रोड पर है, जंडियाली बंगला के करीब, अड्डा 95 चक, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर इनकी इंडस्ट्री है। तो इनकी जानब से न्यू 2022 मॉडल डिलॉक्स, जिसको भी डिलॉक्स थ्रेशर मशीन भी इसको कहते हैं, और पखर मॉडल भी इसको कहते हैं, तो इसका जो आज मैं आपको मुकम्मल रिव्यू करवाऊंगा। तो प्यारे भाइयों, ये आप देख रहे हैं इसकी राइट साइड जो है, ये इसका बड़ा वेट है ऊपर वाला, जो काफ़ी वज़नी डाला गया है इसको। तो इसके अलावा जो इसको पुली है वो भी काफ़ी वज़नी डाली गई। इसके नीचे जो है वो डबल पुली है, ये आप देख रहे हैं। तो ये देखें, ये डबल पुली है, तीन बेल्ट वाली और उसके साथ फिर तीन बेल्ट वाली। तो ये काफ़ी इसका जो वज़न है वेट का, क्योंकि ये काफ़ी जितना वेट का वज़न हो उतना ही इसके ऊपर जो थ्रेशर मशीन होती है वो ट्रैक्टर के ऊपर लोड नहीं डालती। तो प्यारे भाइयों, ये देखें, ये अल्फियाज एंड ब्रदर, ये बहुत ही पायेदार इनकी जानब से तैयार की गई है। ये देखें इसका झूला जो डबल है, क्योंकि इसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इसमें कुछ चीज़ों का मुझे पता है, जिस तरह के गंदम तो है ही, वो तो आप सभी भाइयों को पता है। उसके अलावा जो है सरसों भी ये निकालती है, उसके अलावा तिल वगैरह है, चने हैं, इस तरह की जो और भी चीज़ें हैं वो ये आसानी से निकाल सकती है। तो इसकी बहुत ही अच्छी जो एवरेज है, बहुत ही सफाई के साथ ये दाना निकाल, ये देखें कितनी इसको मज़बूत प्लेट लगाई गई है, जो पायदान है इसका बैक साइड वाला, बल्कि जो चारों कोने के जो पायदान है उसको बहुत ही ज़बरदस्त प्लेट लगाई गई है, क्योंकि इस थ्रेशर मशीन का जो वज़न काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इसको काफ़ी मज़बूत जो एंगल है, पट्टी है, चादर लगाई गई है। ये देखें चलने में बेशुमार जदीद मज़बूत पायदार गारंटी के साथ। तो ये देखें इसके ऊपर जो है इसका वेट पूरा, जो छोटी ब्राकेट है, छोटी शाफट है, उसके ऊपर कवर लगाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं, नाम ही अपना, काम भी अपना, वाह ज़बरदस्त जी। तो ये प्यारे भाइयों ने न्यू मॉडल बनाया था 2022, पहले भी इन्होंने तैयार की थी, तो मैंने कहा चलो इनका भी आपको, इनकी जो वेट थ्रेशर मशीन है इसका भी रिव्यू करवाऊँ। ये इसकी लेफ़्ट साइड है, जिस तरह पहले मैंने आपको दिखाया, ये डबल पुली इधर लगी हुई है और उसके बाद बड़ा वेट है आगे। तो ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन के ऊपर है। तो ये आप देख रहे हैं भाईजान, ये देखें, ये इसका झूला यहाँ से भी बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि इसको दो तीन जाली लगाई गई है, एक सबसे बड़ी सराख वाली है और उसके बाद छोटी और उसके बाद छोटी। तो प्यारे भाइयों, अगर इसके अलावा मज़ीद इसके बारे में मालूमात लेनी है, या फिर डबल वेट वाली जो वेट थ्रेशर मशीन है उसकी प्राइस वगैरह या मालूमात लेनी है, या इसकी प्राइस आप जानना चाहते हैं, तो इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो वेट थ्रेशर मशीन के ऊपर ही लिखा है, आप उनके साथ रब्ता करके इसकी मालूमात ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और अल्फियाज एंड ब्रदर की वेट थ्रेशर मशीन पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद।